कॉन्सिक्रेशन। ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो अमेज़न प्राइम पर हिंदी में रिलीज हो चुकी है और अब फाइनली मैं ये फिल्म देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस फिल्म को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस फिल्म को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस फिल्म में देखेंगे डॉक्टर ग्रेस की कहानी जो अपने भाई की मिस्टीरियस तरीके से हुई मौत के बाद स्कॉटलैंड के एक चर्च में आती है ताकि वो अपने भाई की मौत की असल वजह जान सके। तो आखिर ग्रेस के भाई को किसने और क्यों मारा है और ग्रेस के भाई की मौत का ग्रेस की पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा। तो देखो ये एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये फिल्म असल में एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट का थोड़ा बहुत तड़का लगाया गया है। ये एक प्योर हॉरर मूवी नहीं है। इस फिल्म को देखते हुए कहीं भी आपको थोड़ा भी डर फील नहीं होगा। जंप स्केयर्स भी फिल्म में बहुत बहुत कम है और वो भी किसी काम के नहीं है। प्लस एक मर्डर मिस्ट्री के लिहाज से भी ये फिल्म फेल हो जाती है हमारी अटेंशन को पूरी तरह से ग्रैब करने में, हमें मिस्ट्री में अच्छे से इन्वेस्ट करने में। ऑल्दो फिल्म की जो ईरी सेटिंग्स हैं, जो डार्क एटमॉस्फेयर है वो अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म देखते हुए कहीं भी टेंशन, इंटेंसिटी, थ्रिल, सस्पेंस फील नहीं होता है। और ऊपर से जो फिल्म की एंडिंग है वो तक मुझे पसंद नहीं आई। बाकी फिल्म का कैरेक्टर वर्क भी बहुत वीक है और जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं, फिल्म का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क है वो डिसेंट है। इन शॉर्ट ये फिल्म ना तो अच्छी हॉरर फिल्म है और ना ही एक अच्छी मर्डर मिस्ट्री है। ओवरऑल ये फिल्म एक अनसेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 5 out of 10। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों का दिल है इस फिल्म को देखने का तो फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए अपने टाइम पास के लिए इस फिल्म को देखना चाहें तो देख लें। पर्सनली मैं आपको यह सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस फिल्म पर अपना टाइम लगाएं। और हां, आप चाहें तो यह फिल्म फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बस आपको इस फिल्म में थोड़ा बहुत ब्लड और वायलेंस देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत अडल्ट लैंग्वेज भी सुनने को मिलेगी। तो आप लोगों को यह फिल्म कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।